गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड लिसनर्स, डियर लिसनर्स, एम्पावरमेंट टू वुमेन, महिलाओं के विकास की, महिलाओं के सशक्तिकरण की बातों पर काफ़ी जोर शोर से चर्चा होती रही है और हमारे भारतीय संविधान में भी महिलाओं के विकास और उत्थान और सशक्तिकरण पर चर्चा की गई है। एम्पावरमेंट टू वुमेन, महिलाएं शिक्षित हो चुकी हैं, शिक्षा बढ़ी, आज भारत में स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त करोड़ों महिलाएं रोजगार प्राप्ति की दरकार में, मैंने ये कहा है भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और राज्यों के मुख्यमंत्री, मैंने पहले भी कहा था भारत में 30 मुख्यमंत्री सत्तासीन हैं जो शक्ति धारित करते हैं, सूबेदार पुराने जमाने जो शब्द होता था, मुख्यमंत्री है सूबे का मालिक, तो इन सूबेदारों को कहूंगा मैं कि महिलाएं रोजगार की दरकार में हैं, जरूरत में हैं, अपने और बच्चों के जीवन को संवारने के लिए और शक्ति पाने के लिए। मैं आर्थिक सशक्तिकरण की बात करूँगा या आध्यात्मिक सशक्तिकरण, बहुत भाषण दिए गए, किसी ने मुंह पर पट्टी लगाकर भाषण दिया, किसी ने मुंह को खोलकर। आध्यात्मिक विकास हो चुका हमारा है, हजारों सालों से भाषण सुनते सुनते कान पक चुके हैं, सत्य अहिंसा विश्व बंधुत्व वसुधैव कुटुंबकम ये बातें चलती रही, परंतु साथ साथ कहा भूखे भजन होने गोपाला, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी या आम आदमी पार्टी जो पंजाब में सरकार है वो हजार रुपये 18 वर्ष से बड़ी महिलाओं के लिए घोषित किया है और शायद लागू भी कर दिया सत्ता आने के बाद, पंजाब में वो शपथ ले चुके हैं भगवंत मान। विरोधी पार्टियां आलोचना कर रही हैं, लोकतंत्र में अधिकार होता आलोचना करने का नीतियों का, परंतु आलोचकों से मैं कहूँगा कि वो जॉब राइट की बात करें, वो कहीं हजार से होता क्या, वो ये सीखे, हजार सिर्फ जीरो की तरफ ना बढ़े, तो वो स्वयं जरूर खुश हो सकते हैं, परंतु उन्हें नहीं बोलना चाहिए कि खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार। मैं खुद कांग्रेस के युवराज को कहूँगा, राहुल गांधी जो कांग्रेसियों के लिए कांग्रेसियों का कप्तान है, कि आपके पिताजी 425 सांसदों के साथ प्रधानमंत्री बने थे और आप कब सोचोगे 425 के साथ प्रधानमंत्री बनने की। मैंने ये नहीं कहा कब बनोगे, मैंने कहा कब सोचोगे, ताकि मास मूवमेंट चले। कम्युनिस्ट से कहूँगा 67 में श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार कम्युनिस्ट पेपर पर केंद्र में चलती थी, राजनीतिक शक्ति का पुंज पश्चिम बंगाल में 32 साल तक धुआंधार सरकार चलाने वाले केरल और त्रिपुरा, आज वो शक्ति कहाँ जा रही है, और फोर्ब्स की सूची में स्थान पाने वाली श्रीमती मायावती वो कहाँ जा रही है। इन लोगों को मैं कह रहा हूँ वर्तमान केंद्रीय स्तर पर अलग अलग चर्चा न करके बीजेपी यानी सत्ताधारी दल वर्सेज बनाम विपक्ष या कोई भी भारतीय जनता पार्टी के सामने कद्दावर दल नहीं है, सभी छोटू मोटू दल जितने भी हैं वो जन मुद्दे लेकर इकट्ठे हो सकते हैं अगर सत्ता प्राप्ति चाहते हैं तो, और जनता से वोट प्राप्त करना चाहते हैं तो छोटू मोटू को इकट्ठा होना पड़ेगा मतभेद बुलाकर, तभी वो केंद्र की वर्तमान सरकार की आलोचना करने की स्थिति बनते हैं कि आज ये सरकार ऐसा कर रही है हम ऐसा करेंगे, और ऐसा कब करेंगे
उनको पता, जो भी बता पाएंगे कि हम मिलकर सरकार ऐसे बनाएंगे। लोगों को पता है 40 से बाहर ममता बनर्जी के पास क्या है और 25 से बाहर जगन के पास क्या है, 17 से बाहर चंद्रशेखर राव के पास क्या है और 21 से बाहर बीजेडी के पास क्या है। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो उनकी अधिकतम शक्ति जहाँ तक उनका प्रभाव क्षेत्र है, जितनी बात तो बात की। और कांग्रेस अपनी वर्तमान स्थिति को बचा ले तो ऐसी स्थिति से गुजर रही है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो भारत की राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि केंद्र में जो 2024 का जो चुनाव आ रहा है, मैं जॉब राइट पर मैं चाह रहा हूँ कि डिबेट हो पक्ष और विपक्ष, राजनीति नहीं। हम मैंने पहले कहा आध्यात्मिकता और इतिहास बाद में पढ़ाते रहे और लोगों ने काफ़ी पढ़ भी रखा है, हमारे जो लोक इतिहासकार भी काफ़ी जो बताते रहते हैं, चाहे उनसे काफ़ी लंबी बातें पूछ सकते हैं वास्को डी गामा के समय की, परंतु अर्थशास्त्र की ज़रूरत है ताकि गरीबी भूखमरी अपराध हटे और लाखों करोड़ों के मालिकों को किस चर्चा की जरूरत नहीं, उनके लिए सभी दल सभी समय सभी सब कुछ अच्छा है। भारतीय नागरिकता छोड़ रहे हैं और विदेश में जा जाकर बस रहे हैं, पाकिस्तान से भी जा रहे हैं मालदार लोग, लंदन में बड़ा उनका रुतबा है परंतु गरीबों की हालत वहाँ भी जाकर देखो क्या है। मैं एशियन अफ्रीकन लैटिन अमेरिकन रोनाल्ड रोल्स ने जो थ्योरी दी थी कि सर्कुलेशन ऑफ इकोनॉमी फ्रॉम दीज कंट्रीज टू दोज कंट्रीज और दोज या वेस्टर्न की तरफ है, कोई कनाडाई नागरिकता ले रहा है वहाँ का रहे, वहाँ का बहुत बड़ा किसान है, कोई टापू ले रहा है, ये धन्ना सेठ लोग हैं, ये आते जाते रहेंगे। कल एक आम आदमी पार्टी के संयोजक ने राज्यसभा में एक धन्ना सेठ को भेजा जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का संचालक मालिक, इनको लोग घर पर देने आते हैं, मांगने नहीं जाते, इनसे लोग घर पर मिलने आते हैं, ये किसी के यहाँ नहीं जाते। शक्ति के पास ना भारत में शक्ति उपासकों को भ्रमित होने या भयभीत होने की जरूरत नहीं है, उनकी पूजा डीसी एसडी में करते हैं, जाते कहते आओ सर, वही व्यक्ति है वही नागरिक है, आओ सर बैठो सर जलपान कर लो सर, और वही एक शब्द है ईमानदार और शर्मशील जीव, एक वो मेहनतकश व्यक्ति श्रम का उपासक पुजारी खड़ा है, सभ्यता से बोल रहा है, शालीनता से बोल रहा है, संकोच से बोल रहा है, परंतु सामने वाले को पता शक्ति नहीं है और शक्ति नहीं तो पूजा नहीं है, या पत्थर पूजा जाता रहे शक्तिशाली नजर आए तो जीवित व्यक्ति की तो बात क्या करनी है। तो हम शक्ति प्राप्त करने के लिए ही इस विचारधारा आगे बढ़ा रहे हैं। मैं जॉब राइट पहले बोल रहा हूँ ताकि लोगों को कमा के खाने का, अपने बच्चों को दूध पिलाने का हक मिल सके और ये मृत प्राय होते जा रहे जो दल हैं, मैं इनसे कहूँगा कि जाग उठें, इनको खुद को नहीं दिख रही है, इनका पेट भरा हुआ है, इनके मतदाताओं दिख रहा है, इनके कार्यकर्ताओं दिख रहा है कि 24 का भविष्य क्या है, आज से दिख रहा है। मैंने पहले कहा था किसी के लिए पॉलिटिकल स्पोर्टिंग का वर्क यहाँ नहीं होगा, पॉलिटिकल एनालिसिस का वर्क होगा, जो बताना चाहता हूँ और ये बता देता हूँ 24 में ये लोग इनके पास जो साझा विपक्ष है ये बैठे और अगर एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ रहे हैं तो इनके पास कुछ नहीं है, फिर ये बेकार की एक गाल बजाने के सिवाय इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा इनको। इकट्ठे हों और जॉब राइट पर अपने विचार दें, सभी दें, पीडीपी की विधि महबूबा मुफ्ती, वहाँ भी गरीब बच्चे जो हैं शोषण के शिकार हैं, देहाती कश्मीर के लोगों को जॉब राइट की बहुत बड़ी बड़ी बात है। मैं उस महिला से भी कहूँगा कि वो हिजाब पहनकर जोर से चिल्लाए जॉब राइट के लिए, मैं उससे प्रार्थना कर रहा हूँ कि मायावती महबूबा और ममता प्रियंका
प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना ही नेता, बड़ी अच्छी बोल लेती है, बड़े अच्छे एंकर हैं। संजय राउत, इस तरह के जितने भी संजय आम आदमी पार्टी का, संजय सिंह राज्यसभा सांसद, बोलार के रूप में जाना जाता है, काफ़ी ज़ोर से बोलता है राज्यसभा में। मैं स्वयं संजय भाई से कहूँगा कि वो जॉब राइट पर अपनी बात संसद में रखें और वास्तविक अपना चेहरा समाज और सरकार और समुदाय को दिखाए। धन्यवाद।